ओए रोहित, माइक लेते हैं, वीडियो बनानी है आज। भाई बिल्ली ने रास्ता काट दिया, आज वीडियो नहीं बनाएंगे। अबे इसकी जात का बिल्ली भाग, मैं नहीं मानता बिल्ली बिल्ली को। वीडियो तो बनाएंगे ही बनाएंगे, और आज ही बनाएंगे, अभी बनाएंगे वीडियो, समझा। चल माइक ले क्या तू। और भाई लोग, क्या हालचाल है, कैसे हो तुम लोग? बढ़िया एकदम। तो यार आज हम लोग पढ़ने वाले हैं डस्ट ऑफ स्नो के बारे में, जिसे लिखने वाले शख्स का नाम है रॉबर्ट फ्रॉस्ट। भाई ये जो बंदा है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये तुम्हें हर जगह मिलेगा। 9th में भी मिला था, रोड नॉट टेकन वाले में, ठीक है, 10th में भी है, और फिर तुम्हें 11th में भी मिलेगा, 12th में भी मिलेगा। मतलब ये बंदा तुम्हें पीछा नहीं छोड़ेगा जब तक तुम पढ़ लिख के पास नहीं हो जाते, समझे। खैर यार, ये 8 लाइन की छोटी सी पोएम है, चलो जरा इस 8 लाइन को खत्म करते हैं, उसके बाद मैं अपना ओपिनियन देता हूँ। भाई ये पोएम लिखने का बस एक ही मकसद था कि जो भी तुमने अंधविश्वास को मान रखा है ना, वो सब निकाल दो, ठीक है, क्योंकि ये सारे के सारे अंधविश्वास है। बिल्ली ने रास्ता काट दिया, कौवा मेरे सामने चलाया, मतलब क्या ही करोगे, कुछ तो अजीब अंधविश्वास पालते हैं। सम्मी का पत्ता तोड़ के जेब में रख लिया, आज पास हो जाएगा भाई, मतलब ऐसे ऐसे अंधविश्वास पालोगे तुम लोग है। तो चलो इस पोएम को शुरू करते हैं। जो हमारे पोएट है ना रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ठीक है, उनका भाई मूड एकदम खराब था, इतना खराब था ना कि अगर सामने आ जाओ तो भाई फाड़ देंगे, ऐसा लग रहा था जैसे ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है। तो वो भाई एक पेड़ के नीचे से जा रहे थे, एक हेमलॉक ट्री नाम का पेड़ है, ठीक है, उसके नीचे से वो जा रहे थे, और उसके ऊपर हेमलॉक ट्री के ऊपर एक कौवा बैठा हुआ था, और वो कौवे ने भाई एक डस्ट ऑफ स्नो गिराया। डस्ट ऑफ स्नो का मतलब यार धूल मिट्टी नहीं गिराई, मतलब कि यार जो स्नो होता है ना, ठीक है, उसके पास छोटा सा पार्टिकल बस थोड़ा सा गिरा दिया उनके कोट पे, और इनसे बस ये गिराने की वजह से ना उनका पूरा मूड चेंज हो जाता है। उनका जो मूड था ना, जो मूड खराब था, वो भाई एकदम चेंज हो जाता है, और वो बताते हैं कि अब आगे का जो वक्त था मेरा, यानी कि जो आगे का दिन जो बर्बाद होने वाला था, उससे मैं बच गया भाई। क्योंकि देखो, अगर उनका मूड खराब होता तो वो उन्हीं के बारे में सोचते रहते, उसी चीज़ के बारे में सोचते सोचते रहते, और उनका दिन पूरा खराब हो जाता, वो कुछ भी नहीं कर पाते। लेकिन इस कौवे ने जो डस्ट ऑफ स्नो उनके कोट पे गिराया, इससे भाई इनका पूरा मूड ही चेंज हो गया, ठीक है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि भाई तुम्हें कैसे पता कि पोएट का जो मूड था वो खराब ही था, अच्छा भी तो हो सकता था ना। तो देखो भाई, यहाँ पे जो इन्होंने यूज किया ना वर्ड हेमलॉक ट्री, जो कि एक जहरीला पेड़ होता है, ठीक है, और क्रो, जो कि भाई काला कौवा, ये दोनों ही वर्ड जो इन्होंने यूज किया ना, इससे हमें ये पता चल रहा है कि जो पोएट थे ना, उनका मूड सही नहीं था भाई, ठीक है, वो थोड़ा सैडनेस थे, अनहैप्पी थे, इसलिए उन्होंने इन दोनों वर्ड को यूज किया है। वरना भाई कुछ अच्छा यूज करते ना, ये पॉइजनस ट्री और क्रो को क्यों इंडिकेट करते, ठीक है, क्योंकि भाई उनका मूड जो था ना वो सैडनेस से भरा हुआ था, ठीक है, वो अनहैप्पी थे, सैड थे, किसी चीज को लेकर चिंता में होंगे, ठीक है। तो भाई इस 8 लाइन की छोटी सी पोएम से हमें बस यही पता चल रहा है ना कि कोई भी अंधविश्वास नाम की चीज जो होती है ना, वो खराब नहीं होती। अब बिल्ली ने रास्ता काट दिया तो क्या भाई, तुम्हारा दिन खराब चला जाएगा है? अरे ऐसा थोड़ा होता है, ये सब तुम्हारे मनगढ़ंत कहानियां हैं, ठीक है, जो तुमने अपने माइंड में भर रखा है, तो इन सब चीजों को निकाल दो। अगर ऐसा ही होता तो पोएट का जो मूड खराब चल रहा था वो और ज्यादा खराब हो जाता, क्योंकि वो हेमलॉक ट्री के नीचे से गुजर रहे थे और ऊपर से क्रो उनके ऊपर बैठा हुआ था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है, हम लोगों ने अपने माइंड को ऐसा बना लिया ना कि अगर बिल्ली दिख गई इसका मतलब आज तो दिन खराब जाएगा ही जाएगा, भक। और अगर काला कौवा दिख गया, अबे यार क्या मनहूसियत देख ली मैंने, भक। मतलब यार ये सब चीजें हमने अपने दिमाग में बनाई है, ये खुद से बनाई है, ठीक है, या फिर किसी ने कही है तो उसको सुन सुन के हम लोग इस चीज को फॉलो कर रहे हैं। लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है, क्योंकि इसी गंदे चीज की, यही काला कौवे ने हमारे पोएट का मूड बदल दिया। हो सकता तुम्हारा भी मूड बदल जाए। अगर मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना भाई, तो जब जब बिल्ली रास्ता काटती है ना, मेरे साथ अच्छा ही होता है, ठीक है। तो बस यार यहीं पे तुम्हारा आज का ये पोएम जो है ना, ये खत्म होता है डस्ट ऑफ स्नो, ठीक है। और इसमें कुछ चीजें हैं जो मैं तुम्हें बता देना चाहता हूँ, जैसे कि एलिट्रेशन होता है, राइमिंग होती है। तो इसका जो राइमिंग है ना भाई, वो ABAB का राइमिंग है, जैसे कि देखो ऊपर लिखा हुआ क्रो, क्रो W खत्म हो रहा है, ठीक है, उसके बाद ME, मी का ई लास्ट आ रहा है, और फिर देखो W आ रहा है, और फिर लास्ट में ई आ रहा है, इसका मतलब ABAB का राइमिंग है, ठीक है। और नीचे देखो सेम राइमिंग है, तो यहाँ पर एक CDCD नाम दे दो, CDCD, ये राइमिंग उनका है, ठीक है, ABAB, CDCD, ये राइमिंग है। राइमिंग मतलब क्या यार, राइमिंग मतलब यार देखो, जो लास्ट में ताल नहीं बैठाते हम लोग, कोई शायरी बोली तो मैंने कि लास्ट में अच्छा यही आना चाहिए था, ठीक है, वही होती है राइमिंग। इसीलिए देखो लास्ट में वही आया, इसमें W से स्टार्ट किया, फर्स्ट लाइन देखो W स्टार्ट है, फिर सेकेंड लाइन में देखो, थर्ड लाइन में सॉरी देखो फिर W है, सेकेंड लाइन में E है लास्ट में, तो देखो फोर्थ लाइन में भी ट्री का E है लास्ट में, मतलब राइमिंग मतलब यार लय बैठा रहा है, धुन बैठा रहा है, समझ रहे हो तुम। और एक मैं तुम्हें एलिट्रेशन के बारे में बता देना चाहता हूँ। एलिट्रेशन मतलब यार कोई भी दो वर्ड ना जब सेम लेटर से स्टार्ट होना तो उसी को एलिट्रेशन कहते हैं, ठीक है। जैसे कि सेव्ड सम, यहाँ पे एक एग्जांपल है सेव्ड सम, ये तुम्हारा एलिट्रेशन है, ठीक है। बस यार और कुछ खास नहीं है। चलो तो तुम्हारा आज का चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ठोक दो, ठीक है, और भाई का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या कर रहा हूँ भाई लोग, चैनल तो सब्सक्राइब कर लो। चलो मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वीडियो में, बाय।